हर हर शंकर, जय जय शंकर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के समलूर स्थित 11वीं शताब्दी के प्राचीन करली महादेव मंदिर का दक्षिण पश्चिमी कोना जमीन में धंसने की वजह से एक तरफ झुकने लगा है। झुकने की यह रफ्तार जारी रही तो मंदिर के जल्द ही जमींदोज होने की आशंका बनी हुई है। लेकिन मंदिर के संरक्षण का जिम्मा लेने वाले केंद्रीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब तक कोई एहतियाती उपाय शुरू नहीं किए हैं। कुछ साल पहले विभाग की टीम ने इस मंदिर के केमिकल प्रिजर्वेशन के नाम पर पत्थरों पर चूना और अन्य रंग रोगन की परत हटाने का काम किया था। इसी दौरान बलुई पत्थरों से निर्मित मंदिर की दीवारों में मसाला भरकर दरारों को ढक दिया, जिससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका। इस प्रक्रिया के 2 साल बाद मंदिर का दक्षिण पश्चिमी कोना दबने का सिलसिला शुरू हो गया। गर्भगृह में स्थित शिवलिंग और कलात्मक जलहरी भी एक तरफ हल्की झुकी हुई है। मंदिर के मंडप में मूर्तियों के आले भी हल्के झुके हुए हैं। स्थानीय लोगों ने मंदिर की दशा को चिंतनीय बताते कहा कि मंदिर की दबती नींव को ठीक नहीं किया गया तो इस ऐतिहासिक धरोहर को ध्वस्त होने से बचाना मुश्किल होगा। समलूर के निवासियों ने भी मंदिर के झुकने की पुष्टि करते बताया कि कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है। समय रहते कोई उपाय करना जरूरी है। बारसूर के मामा भांजा मंदिर की तर्ज पर सलमूर में नागर शैली में निर्मित मंदिर 11वीं शताब्दी में तत्कालीन नागवंशी शासक सोमेश्वर देव की महारानी सोमल देवी ने बनवाया था। सोमल देवी के नाम पर ही समलूर गांव बसाया गया था। इस मंदिर की जलहरी व शिवलिंग बत्तीसा मंदिर की जलहरी से मिलती जुलती शैली में बनी है। विशिष्ट नकाशीदार जलहरी वाले इस शिवालय को देखने बड़ी संख्या में सैलानी व दर्शनार्थी पहुंचते हैं। मंदिर में सावन सोमवार के अलावा महाशिवरात्रि और माघ पूर्णिमा जैसे खास अवसरों पर दर्शनार्थियों की कतार लगती है। महाशिवरात्रि पर मंदिर के बाहर मेले का आयोजन भी किया जाता है। पौराणिक मंदिरों को संरक्षित करने की उम्मीद अब किससे की जाए। चकाचौंध को देखकर खुश होने वाली जनता पौराणिक मंदिरों की महत्ता को कम ही समझती है। खैर, बाबा की मर्जी। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।